वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ जी कैम। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्टिंक्शन टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। डिस्टिंक्शन टेस्ट किसके बीच में रहेगा आप लोग के? प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल को आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो सबसे पहला जो टेस्ट हमारे पास रहता है वो रहेगा लुकास टेस्ट। क्या रहेगा बच्चों? लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट के लिए हमारे पास लुकास रिएजेंट होता है। आपका वन मार्क्स का क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लुकास रिएजेंट। तो फॉर्मूला होता है बच्चों एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और प्लस में आपका कंसंट्रेटेड HCl लेना होता है। दोनों की रेशो इक्विमोलर होते हैं बच्चों, इक्विमोलर होते हैं, इक्विमोलर कंसंट्रेशन हम लोगों को इनकी लेनी होगी। इतना क्लियर होगा क्या बच्चे? इस टेस्ट के अंदर, इन दिस टेस्ट, जो अल्कोहल होगा, क्या होगा बच्चों? अल्कोहल होगा। मैटर नहीं करता भी वो कौन सा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है, वो आपका लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा और अल्काइल हैलाइड आपको देगा। क्या करेगा बच्चों? अल्काइल हैलाइड आपको देगा। उसके बाद जो ये अल्काइल हैलाइड मिलेगा बच्चों, ये वाटर इनसोल्यूबल होता है। कैसा होता है? वाटर इनसोल्यूबल। अब जो इसकी वाटर इनसोल्यूबिलिटी जो होगी वो हमें अपीयर होगी, इसकी फॉर्मेशन, अल्काइल हैलाइड की जो फॉर्मेशन है बच्चों वो अपीयर होगी। कैसे? अपीयर्ड बाय टर्बिडिटी। अपीयर्ड बाय टर्बिडिटी क्या होती है? एकदम से टेस्ट ट्यूब से बाहर निकल कर आना, बुड़बुड़ाहट की आवाज के साथ, उसको बोलते हैं टर्बिडिटी। क्लियर बच्चों? तो देखो बच्चों, दूसरा पॉइंट जो यहां पर इंपॉर्टेंट है वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, इतना क्लियर? विद हैलोजन एसिड्स इज टर्शरी अल्कोहल सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा, देन सेकेंडरी और सबसे लास्ट कौन करेगा? प्राइमरी अल्कोहल। इज इट क्लियर बच्चों? टर्शरी अल्कोहल सबसे फास्ट रिएक्ट करता है, देन सेकेंडरी और लास्ट में कौन रहेगा आपका? प्राइमरी अल्कोहल। देखिए, अगर आपकी टर्बिडिटी, इफ टर्बिडिटी, जो टर्बिडिटी है अपीयर्स इमीडिएटली, क्या बोला बच्चों मैंने? इफ टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली, तो क्या होगा? याद रखेंगे अल्कोहल इज टर्शरी, द अल्कोहल इज टर्शरी। आगे बच्चों, यहां पर कार्बन, ये मैंने अल्काइल ग्रुप लगाया, ये अल्काइल ग्रुप, ये अल्काइल ग्रुप, और यहां पर है OH। जब आपकी यहां पर लुकास रिएजेंट लोगे तो ये जल्दी से क्या बना देगा? R, और यहां पर अल्काइल ग्रुप, यहां पर हैलोजन ग्रुप लगा देगा। क्योंकि बच्चों यहां पर तीन अल्काइल ग्रुप है, इसीलिए इंडक्टिव इफेक्ट भी एप्लीकेबल है। और आपको पता है टर्शरी कार्बोकटायन मोर स्टेबल होता है। दूसरा, यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन भी लग रहा है, इसीलिए ये रिएक्शन फास्ट हो जाती है। अगर कोई आपसे पूछता है कि ऐसा क्यों हुआ, तो बोलेंगे एक तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा हाइपर कंजुगेशन के कारण जो टर्शरी कार्बोकटायन बनने वाला है वो क्या होता है? स्टेबल होता है, इसलिए यहाँ पर ये रिएक्शन थोड़ा फास्ट हो जाती है। सेकेंड, अगर टर्बिडिटी अपीयर होती है, इफ टर्बिडिटी अपीयर्स, क्या हुआ? टर्बिडिटी अपीयर्स विद इन 5 मिनट्स, विद इन 5 मिनट्स, जो अल्कोहल होगा वो सेकेंडरी होगा बच्चों, द अल्कोहल इज सेकेंडरी। देखिएगा बच्चों, एग्जाम्पल, कार्बन यहां लगाया मैंने H, यहां अल्काइल ग्रुप, यहां भी अल्काइल ग्रुप, यहां आपका OH ग्रुप, रिएक्शन करवा रहे हैं आपका लुकास रिएजेंट के साथ, क्या बनेगा? R, यहां H और यहां लग जाएगा X।
तो बच्चों क्या बोला मैंने, यहां पर अब जो इंडक्टिव फैक्टर वो पहले के मुकाबले कम हो चुका है, हाइपर कंजुगेशन भी कम हो चुका है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? विद इन फाइव मिनट्स। क्लियर। थर्ड रहता है हमारे पास, यदि आपकी टर्बिडिटी, इफ टर्बिडिटी अपीयर्स, इफ टर्बिडिटी अपीयर्स ओनली अपॉन हीटिंग, यदि सिंपल अल्कोहल की हम रिएक्शन करवाएं लुकास रेजेंट के साथ, टर्बिडिटी ना आए। टर्बिडिटी कब आएगी? जब उसको हीटिंग करेंगे। ओनली अपॉन हीटिंग द अल्कोहल मे बी प्राइमरी। जो अल्कोहल होगा बच्चों आपका, वो क्या होगा? प्राइमरी। क्योंकि बच्चों यहां पर जो आपका होता है CH2OH और एक अल्काइल ग्रुप में लूं, जो प्राइमरी कार्बोकोटाइन बनेगा वो अनस्टेबल होता है, इसलिए फटाफट रिएक्ट कर जाता है। ठीक है ना, तो इसीलिए ये नहीं टूटेगा क्योंकि वो इंटरमीडिएट क्या है, इसका अनस्टेबल है। और यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट भी खाली एक अल्काइल ग्रुप की वजह से है, इसलिए यहाँ पर टर्बिडिटी काफ़ी टाइम लगाती है इस पूरे कंपाउंड को अल्काइल हैलाइड बनाने में। तो ये थे बच्चों आपके प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल के डिस्टिंग्यूज टेस्ट। इज इट क्लियर? तो बाकी टेस्ट हम अगली क्लास में करेंगे।